बॉलीवुड फिल्में सिर्फ अपनी दमदार कहानी और बड़े स्टार कास्ट की वजह से ही सफल नहीं होती हैं। इन फिल्मों में काम करने वाले स्टार कई बार ऐसे अनोखे और यादगार रोल निभा जाते हैं जिसे फैंस कभी नहीं भूलते। ऐसा ही एक किरदार किन्नर का रहा है, जो हमारे समाज का हिस्सा होते हुए भी हमसे अलग माने जाते हैं। बॉलीवुड ने किन्नर के किरदार को भी पर्दे पर बखूबी उतारा है। वही किरदारों को निभाने में सितारे भी कभी पीछे नहीं रहे और अपनी एक्टिंग से जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। आज हम आपको बताते हैं ऐसे ही अभिनेताओं के बारे में जिन्होंने पर्दे पर किन्नर का रोल निभाकर लोगों की वाहवाही लूटी और उस किरदार को भी अमर कर दिया। आशुतोष राणा। आशुतोष बॉलीवुड के एक दमदार कलाकार हैं जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रोल बड़े ही बखूबी से निभाए हैं। आशुतोष ने कई वैरायटी वाले रोल भी किए हैं। मशहूर किन्नर राजनेता शबनम मौसी की जिंदगी से प्रेरित फिल्म में काम किया था। इस फिल्म का नाम शबनम मौसी था, इसमें उन्होंने एक किन्नर की भूमिका निभाई थी। बता दें कि शबनम मौसी पहली ऐसी किन्नर है जिन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी। इस रोल के लिए आज भी आशुतोष राणा की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई थी। महेश मांजरेकर। बॉलीवुड के शानदार कलाकार महेश मांजरेकर ने हमेशा से अपनी एक्टिंग से लोगों की वाहवाही लूटी है। फिल्मों में पॉजिटिव रोल निभाकर लोगों का दिल तो जीता ही है, वहीं नेगेटिव रोल से भी अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया है। 2013 में आई फिल्म रज्जू में महेश ने एक किन्नर का रोल निभाया था। फिल्म रज्जू में रीना रनौत और पारस अरोरा की मुख्य भूमिका में थे। फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन महेश का किरदार हर किसी को पसंद आया था। परेश रावल। हिंदी सिनेमा के मंझे हुए कलाकार परेश रावल ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं। 1997 में आई फिल्म तमन्ना में परेश ने एक किन्नर का रोल निभाया था। फिल्म का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था। इस फिल्म में पूजा भट्ट, शरद कपूर और मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में थे। किन्नर किरदार में परेश रावल के अभिनय को काफी पसंद किया गया। प्रशांत नारायणन। फिल्म मर्डर 2 में प्रशांत नारायणन ने एक किन्नर का रोल निभाया था। उन्होंने इस किरदार में जान फूंक दी थी। प्रशांत की एक्टिंग भी हर किसी को पसंद आई थी। इस फिल्म में इमरान हाशमी और जैकलिन फर्नांडिस मुख्य भूमिका में थे। फिल्म मर्डर 2 साल 2011 में आई थी और हिट फिल्म साबित हुई थी। रवि किशन। बॉलीवुड भोजपुरी सिनेमा के जाने माने कलाकारों में से एक रवि किशन ने अपने रोल से हमेशा लोगों की तारीफ पाई है। तिग्मांशु धूलिया की फिल्म बुलेट राजा में रवि किशन ने एक किन्नर का किरदार निभाया था। उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म में सैफ अली खान, सोनाक्षी सिन्हा और जिमी शेरगिल भी थे। और अंत में बात करते हैं सदाशिव अमरा कर दी। इन दिनों साल 91 में महेश भट्ट की फिल्म सड़क का सीक्वल चर्चा में है। इस फिल्म के पहले पार्ट में सदाशिव अमरा पुरकर ने विलेन की भूमिका में थे। इस फिल्म में उनका निभाया किन्नर का किरदार आज भी लोगों को याद है। इस किरदार के लिए उन्हें फिल्म फेयर का पुरस्कार भी जीता था।